गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल वंशीवाले में सदके तेरे नाम तो वंशीवाले में सदके तेरे नाम तो तेरे नाम के सदके तेरे तो है ही, लेकिन मैं वारी वारी जाऊं तेरे नाम पे। ओ वंशी वाले मैं सदके तेरे नाम तो क्यों नाम ले दो ही दिल नू करार आ गए नाम ले दो ही दिल नू करार आ गए। कहते मैंने नाम जिस वक्त मैंने लिया आपका नाम जिस वक्त मैंने लिया आपका आप मेरे हुए मैं हुआ आपका आप मेरे हुए मैं हुआ आपका। बस थोड़ा फर्क है नाम नाम का लेने में नाम के साथ। जैसे कोई भी दवाई देते हैं ना आयुर्वेद में तो खास कि भाई इस चीज के साथ लोगे शहद के साथ लो मलाई के साथ लो दूध के साथ लो तो इस दवाई का कई गुना अच्छा परिणाम मिलेगा। हमें परिणाम क्यों नहीं मिलता कि वो जो चीज़ के साथ लेना है वो नाम उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। और वो चीज़ क्या कि हर नाम के साथ पीड़ा मिली हो। किसकी पीड़ा? कोई भौतिक पदार्थों की उपलब्धियों की नहीं या कामनाओं की पूर्तियों की नहीं, बस यही पीड़ा। हे नाथ मेरे जीवन के इतने दिन व्यतीत हो गए आप मुझे आज तक नहीं मिले, कब मिलोगे, कब तेरा मेरा मिलन होगा। ये पीड़ा अगर नाम के साथ मिल जाए तो वो नाम वही रहेगा लेकिन उसका अंजाम उसका परिणाम कई गुना लाभदायक होगा। यहाँ प्रेमी भी वही बात कह रहा है। ओ वंशी वाले मैं सदके तेरे नाम तो नाम ले दो ही दिल नू करार आवे। तेरा नाम क्या जुआ पे आया मानो नाम के साथ तेरा रूप भी सामने आ गया। और भक्ति के ये चार चीजें बताई भी गई है नाम रूप लीला और धाम। नाम के बाद रूप यानी नाम जब पक जाए संस्कृत में कहते सिद्ध हो जाए। सिद्ध का मतलब है पक गया जैसे चावल पक गया पहचान गया। कोई सारी हंडिया नहीं देखते दो चार चावल के दाने निकाले दबा के देखा वो दबना शुरू हो गए तो समझ लो चावल पक गया। और संस्कृत में कहें तो चावल सिद्ध हो गया। वही इसी प्रकार नाम उसका जुबान पे आया नहीं कि आंखें छल छला जाए तो समझना बात बहुत आगे तक बढ़ गई। तभी तो कहा गया ना नाम जिस वक्त मैंने लिया आपका आप मेरे हुए मैं हुआ आपका आप मेरे हुए। परिणाम आनंद अपने आप अंदर छल छलाने लगा। और कई बार आनंदोद्रेक की सीमा क्या परिसीमाएं क्या कि आंसू से आंखों से आंसू और पैरों में थिरकन प्रारंभ हो गए।
वंशीवाले में सदके तेरे नाम तो नाम सिद्ध हो गया, यानी एक नाम लिया नहीं कि उसका रूप सामने आ जाए, रूप सामने आ जाए और आंखें खुली रह जाए, होता नहीं है ऐसा। रूप जब सामने आता है तो आंखें अपने आप बंद हो जाती है, क्यों? नाम ने अपना काम कर दिया कि उस रूप को सामने ले आया, और रूप सामने आए और छेड़छाड़ ना, ये कैसे हो सकता है? उसी छेड़छाड़ को लीला कहा गया। केवल गोपियों और राधा के साथ लीला की हुई ऐसा नहीं, अगर हमारी स्थितियों में परिवर्तन होता है तो वो लीला क्रीड़ा हमारे साथ भी प्रारंभ हो सकती है। कई बार आप लोग भी देखते होंगे, मूर्ति की पूजा करते हैं हम लोग, किसी दिन भाव ज़्यादा उमड़ता तो लगता है जैसे मूर्ति बोल रही है, आज वही मूर्ति मुस्करा रही है, आज नाच रही है, आज जैसे हमसे कुछ बात कर रही है, ये क्या है? स्थितियों का परिवर्तन। अगर वो जितनी देर मूर्ति नाच रही है बोल रही है इसकी समय की अवधि बढ़ती जाए तो बातें बहुत बढ़िया से बढ़िया हो जाती है। नाम पका तो रूप सामने आया, रूप ने जब छेड़छाड़ की तो लीला प्रारंभ हो गई, और जहां नाम हो रूप हो और लीला हो वही तो धाम है। इसे ये अंतकरण ही वृंदावन का धाम बन सकता है। कब? पहली सीढ़ी वही है, वंशी वाले में सदके तेरे नाम तो नाम ले दो ही दिलो करार पैदा हृदय दे अंदर तड़प हो गई, पैदा हृदय दे अंदर तड़प हो गई, ओ मेरी नस नस कैफो कुमारा गया, मेरी नस नस कैफो कुमारा गया, मेरी नस नस कैफो कुमारा गया। कितनी बढ़िया बात, दिल को करार आया, करार आ गया, सुकून मिला, शांति मिली, आनंद आया, तो परिणाम क्या हुआ? प्यास और बढ़ गई। हाँ, ये आनंद और मिले, और मिले। तड़प किस बात? किसी बात की तो है कि पैदा हृदय ने अंदर तड़प हो गई, कहीं ये आनंद के क्षण समाप्त ना हो जाए, प्यारे ये आनंद और मिले, इस बात की तड़प। और जितनी तड़प बढ़ती गई, मेरी नस नस कैफो कुमार मेरी नस नस कैफो कुमार आ गया। और क्या हुआ? दर्द कम हो गया, दूर गम हो गया, दर्द कम हो गया, दूर गम हो गया, चश्म पूर्णम हुई सर भी कम हो गया, ये आंखें डबडबा गई, छल छला गई, अश्रु पूरित हो गई, और ये गर्व भरा मस्तक अपने आप झुक गया। दर्द कम हो गया, दूर गम हो गया, चश्मे पूर्णम हुई सर भी खम हो गया, दिले मस्तर दी धड़कन हुई तेज तेज, दिले मस्तर दी धड़कन हुई तेज तेज, ओ वंशी वाले दा शायद दया आ गया, वंशी वाले दा शायद दया आ गया। हर नाम के साथ सुकून मिला, सुकून क्या मिला? पीने की प्यास और बढ़ गई, जितनी प्यास बढ़ती गई उतना सुकून और मिलता गया। अब ये तृप्ति है या प्यास पता ही नहीं।
इसीलिए शास्त्रों में भी दो शब्द आए हैं, नव नवीनतम और अतिरिक्त तृप्ति। रोज नया नया ना लगे, नाम वही है लेकिन जब भी ले उसका आनंद नया नया लगे, नाम के अंदर इतनी मिठास लगे कि नाम पुराना हो ही नहीं। रोज दिने दिने नवम नवम, दिने दिने नवम नवम, नव नव रंगी नवल त्रिभंगी। और अतृप्त तृप्ति यानी कितना भी पी ले, कितना भी मिल जाए, प्यास मिटे ही नहीं। जैसे नदी सागर में गिरती है, ना तो नदी कम हो रही है और ना ही सागर भर रहा है। प्रत्येक क्षण नदी का पानी नया है, हर कण नया है, लेकिन ना नदी कम हो रही और ना सागर भर रहा। यह है अतृप्त तृप्ति। जितना भी मिले जाए और पिए जा, और पिए जा, और पिए जा, क्यों? ये मैं है मुफ्त की, इसे बार बार पिए। एक दो बार देकर क्यों संतोष कर रहा है? 10-20 मालाएं फेर कर क्यों संतोष कर रहा है कि मेरा नियम पूरा हो गया? क्या नाम का यही मतलब है कि नियम में लग जाए? नाम तो फल है जिसका रस चाखना है। साधना भी है और साध्य भी है नाम। इसे जो रसिक संत हुए वृंदावन के ये धामों के, जब विरह की बात चलती है तो उनको विरह नाम का होता है। हे प्रभु, इतना समय व्यतीत हो गया मेरा व्यर्थ की बातों करते हुए, चुगली निंदा करते हुए, मेरी जीवा पर तेरा नाम नहीं आया। हाय इन दुर्भाग्य क्षणों का मैं क्या करूं? मेरे क्षण तो वही काम के जिस क्षण मेरी जीवा पर तेरा नाम आ गया। ये नाम का विरह है। दूर दर्द कम हो गया, दूर गम हो गया, चश्मे पूर्णम हुई सर भी खम हो गया, दिले मजदर दी धड़कन हुई तेज तेज, दिले धड़कन दी, दिले धड़कन दी मजदर हुई तेज तेज, वंशी वाले दा शायद दया रह गया। हर नाम जैसे पैगाम दे रहा हो कि पिया अब आ रहे हैं, अब मिल रहे हैं। ओ वंशी वाले दा शायद दया रह गया, इसलिए वंशी वाले मैं सदके तेरे नाम को, नाव ले दो ही दिलू करार गया, नाम ले दो ही दिलू करार गया। गोविंद चारहुं वेद नाम की महिमा क्या, चारहुं वेद पुराण 18, 64 तंत्र के मंत्र आराधे, 64 तंत्र के मंत्र आराधे, 360 महावृत संयम, 360 महावृत संयम, मंगल यज्ञ पूरी पुरसारे,
मंगल यज्ञ पूरी पुरसारे योग याग व्रत उपासन योग याग व्रत उपासन श्री हरि दत्त सभी निर्धारे। लेकिन चारों लोकन के सगरे फल चारों लोकन तीनों लोकन के सगरे फल श्री हरि नाम के ऊपर वारे श्री हरि नाम के ऊपर वारे। ये कलयुग है, सारी बातें अच्छी हैं, जितने भी पूजा पाठ जप तप हैं बहुत अच्छे हैं, किसी का कोई खंडन मंडन नहीं। फिर भी कली के अंदर रसिकों ने ग्रंथों ने नाम की महिमा सबसे बताई। क्यों, कोई भी पूजा करो, सामग्री जैसी चाहिए, क्या वो सर्वतोभाविन शुद्ध है? ना तो हवा शुद्ध है ना पानी शुद्ध है, जो खाद दी जाती है वो मिट्टी भी शुद्ध नहीं। जब हर एक सामग्री अशुद्ध है तो उसका पूर्ण रूपेण फल कैसे प्राप्त हो सकता है? इसलिए कलयुग के अंदर नाम की ही विशेषता बताई गई है। और वैसे भी बंधुओं, अगर नदी यूं बह रही है, हम भी नदी के साथ अगर बहें तो हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी। नदी का बहाव हमें अपने आप उस ओर ले जाएगा। नदी तो बहे यूं और हम तैरे यूं तो 10 गुना तो श्रम करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं समय पर हम मंजिल पे पहुंच ही जाए। इसलिए कलयुग के अंदर ये नाम क्या है, ये नदी यूं बह रही है, बस नाम के अंदर पड़ जाए हम किसी तरह से, नदी की धारा में जैसे उसी के अनुरूप बहे तो बहकर अपने आप पहुंच जाएंगे। बस नाम के अंदर बह जाए, पड़ जाए, नाम लेना शुरू कर दे, नाम अपने आप नामी तक पहुंचा देगा। और इसके साइंटिफिकली रीजंस भी हैं। नाम में क्या होता है, शब्द, हर शब्द के अंदर एक ध्वनि तरंगे होती है, साउंड वेव्स। और ये साउंड वेव्स क्या करती है, जो इसीलिए कहते हैं भाई एक ही नाम को पकड़ो, उसी नाम को जितना जपेंगे तो अंदर हमारे अंदर वो वाइब्रेट करेगा, मूवमेंट होगी उसकी। इसे बोलते हैं एक्टिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी। जैसे ओलंपिक के जो होते हैं ना, वो गोला फेंकने की प्रतिस्पर्धा, उसमें पहलवान गोले को उठाता है, अगर वो सीधा यूं ही फेंके तो 20-30 मीटर तक जाएगा, लेकिन जब उसी को घुमावदार 2-4 बार घुमाकर, अपने आप को घुमाकर जोर से फेंकते हैं तो 90-100 मीटर तक चला जाता है। ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाम भी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, श्रद्धा के साथ, वही पीड़ा के साथ ले। ये पीड़ा क्या है, मानो घुमाने की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो उसी नाम को घुमाकर इतनी जोर से फेंकती है कि नामी आने पर लाचार हो जाता है। नाम ध्वनि से, नाम के अंदर शब्द के अंदर और ध्वनि के अंदर साउंड वेव्स, एक ही नाम जब हम लें, फिर ये स्टेजेस हैं, गले से, हिरण्य गर्भ से, कंठ से, फिर हृदय से, फिर नाभि से, उल्टी गति है इसकी। जितना डीपली अंदर जाता जाता है उसकी साउंड वेव्स और ज़्यादा मजबूत होती जाती है। जो बातें कही गई है कि रसिकों से और संतों से पूछो, ये अनुभव उनके हैं कि वो साउंड वेव्स उनके अंदर से इस कदर उठती है कि शरीर से वो अपने आप को अलग सा महसूस करते हैं। ये फिर योग की बहुत सी स्टेजेस हैं जो नाम लेते लेते अपने आप आ जाती है। साधना करते करते आए ना आए, लेकिन नाम लेते लेते अवश्य आएगी और साधक को पता भी नहीं चलता कि मैं यहाँ पहुंच गया। इसीलिए तीन लोकन के सगरे फल श्री हरि नाम के ऊपर वारे श्री हरि नाम के ऊपर वारे।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंदलाल गोपाल